हर पेड़ पर लिखा हुआ है श्री राधे राधे। नमस्कार, श्री राधे राधे, श्री कृष्णा, स्टोरी तड़का में आपका स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज बारिश तो बहुत तेज है, लेकिन आज मूड भी है कहीं घूमने का, लेकिन कहां पर चलें? आज चलते हैं दिल्ली के सबसे खूबसूरत मंदिर इस्कॉन मंदिर, जहां पर आज राधा रानी के दर्शन होंगे, भगवान कृष्ण के दर्शन होंगे, भगवान विष्णु के दर्शन होंगे, और आज होंगे गरुण देव के दर्शन। तो चलते हैं दिल्ली के सबसे खूबसूरत मंदिर इस्कॉन मंदिर। तो आइए चलें। दोस्तों, इस्कॉन मंदिर में आने के लिए सबसे पहले, आप कहीं भी हो तो सबसे पहले आपको आना है दिल्ली के कालका जी मेट्रो स्टेशन। जी हाँ, वहाँ से बस थोड़ा सा पास में ही है इस्कॉन मंदिर, और उसके पास में है कमल मंदिर, फिर उसके पास में है कालका जी का मंदिर। जी हाँ, कालका जी का मंदिर, जहाँ पर माता रानी का दरबार सजा है, वहाँ पर आइए, दर्शन कीजिए और अपने आप को सफल बनाइए, अपने जीवन को धन्य बनाइए। जय माता दी। दोस्तों, आज बारिश इतनी तेज है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन हम लोगों ने भी ठान रखा था हम आपको आज इस्कॉन मंदिर के दर्शन कराते ही रहेंगे। तो बस हम लोग निकल पड़े, आज बारिश का मजा भी लिया और मेट्रो स्टेशन पर यानी उद्योग नगर से बैठ करके सीधा पहुंचे कालका जी मेट्रो स्टेशन, और वहां से सीधा इस्कॉन मंदिर फिर पहुंच गए, और वहां पर श्री राधा रानी भगवान कृष्ण के दर्शन किए, अपने आप को सफल धन्य बनाया। तो आप भी आइए, दर्शन कीजिए। दोस्तों, हम लोग आ गए हैं इस्कॉन मंदिर के बिल्कुल करीब। जी हाँ, बिल्कुल करीब आ गए हैं, और वो कौन सा रास्ता है हम आपको बताएंगे बिल्कुल। तो आइए, तैयार हैं आप लोग चलने के लिए? यही वो रास्ता है, आप सामने देख रहे हैं, यही वो रास्ता है जहाँ हजारों लाखों लोग रोज आते हैं और श्री राधा रानी के दर्शन करते हैं, श्री कृष्ण के दर्शन, विष्णु भगवान के दर्शन और गरुड़ महाराज के दर्शन करते हैं। तो आइए चलते हैं भाई। वाह, जैसा सुना था वैसा पाया, यहाँ का माहौल तो बिल्कुल वृंदावन गोवर्धन की तरह है। जी हाँ, आप कभी मथुरा गए हैं क्या? तो कभी वृंदावन भी गए होंगे, तो ऐसा ही माहौल है यहाँ के अंदर का। चारों ओर एक खूबसूरती है, हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, और एक शांति भरा माहौल है।
तो आइए चलते हैं आगे देखते क्या हो। इस पे तो लिखा है श्री राधा। भाई हर पेड़ पर लिखा है यहाँ राधा राधा। भाई ऐसा लगता है जैसे हम वृंदावन में आ गए हैं। यहाँ का माहौल तो बिल्कुल वृंदावन गोवर्धन की तरह है। तो आइए चलते हैं आगे चलते हैं। दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं इस्कॉन मंदिर। जी हाँ, यही वो एंट्री गेट है, यही वो प्रवेश द्वार है जहाँ से हम लोग एंट्री करते हैं, अंदर जाते हैं। आप सामने देख रहे हैं मंदिर, आपको सामने दिख रहा है। और जब हम वहाँ पर पहुंचेंगे तब वहाँ का माहौल अलग होगा। तो आइए अंदर चलते हैं। दोस्तों इस इस्कॉन मंदिर को दूसरे हरे रामा हरे कृष्णा के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर की स्थापना 1966 में न्यूयॉर्क में अभय चरणा रविंद्र भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपद ने की थी। ये दिल्ली का दूसरा ऐसा मंदिर है जो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है, जहाँ हजारों लाखों लोग रोज भक्ति में डूबकर भगवान कृष्ण राधा रानी के दर्शन करने आते हैं। तो आइए चलते हैं, हम भी दर्शन करते हैं और अपने जीवन को सफल बनाते हैं। दोस्तों इस मंदिर के अंदर हरे रामा हरे कृष्णा के भजन हमेशा ही होते रहते हैं, हमेशा ही कानों में गूंजते रहते हैं। भक्तगण भगवान के ध्यान में खोए रहते हैं, राधा रानी के चरणों में अपना शीश झुकाते रहते हैं और मदन के साथ भगवान के भजनों को गाते रहते हैं। तो आप भी आइए। लेकिन बहनों भाइयों, एक खास बात और है इस मंदिर की। यहाँ पर जो भगवद गीता है वो बहुत ही विशाल रूप में है। हमने देखा कि भगवद गीता की जो लंबाई चौड़ाई, वाकई में ये विश्व की सबसे बड़ी पुस्तक है, विश्व की सबसे बड़ी भगवद गीता है। आप देखेंगे तो आप वाकई में कहेंगे कि ये कमाल है। तो एक बार आप आइए, भगवान के ध्यान में खो जाइए। Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Rama.
दोस्तों यही वो वैदिक प्रदर्शनी हॉल है जहां पर ऐसी बहुत सी बातें, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें आप देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं
विष्णु भगवान की जो प्रदर्शनी है जहाँ पर माँ लक्ष्मी पैर दबा रही हैं, और यही वो किताब है भगवत पुराण, जो बहुत ही विशाल किताब है जहाँ पर भगवान कृष्ण राधा रानी जी के साथ रास रचा रहे हैं। ये छोटा सा जंगल है जहाँ भगवान की गायें चर रही हैं, बछड़े हैं, और दूर दूर से लोग आते हैं, इनको देखते हैं, इनकी भक्ति भावना में खोकर अपने आप को धन्य बनाते हैं। तो आप भी आइए। वैसे दोस्तों, हम इस्कॉन मंदिर की जो खूबसूरती सुंदरता, इसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आप यहाँ पर एक बार आइए और खुद देखिए, खुद जानिए, खुद परखिए यहाँ की खूबसूरती, यहाँ का माहौल क्या है। बिल्कुल आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। यहाँ का जो वातावरण है बहुत ही खूबसूरत है। बहुत दूर से लोग आते हैं यहाँ पर, अपना समय बिताते हैं भगवान के चरणों में। आप देख रहे हैं, ये निधि वन की तरह एक यहाँ पर बनाया गया है ब्रह्मचारी आश्रम, जो बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ की सुगंध, वातावरण, आप देख रहे हैं गुरु जी की तस्वीर भी लगी हुई है, और काफी लोग आ जा रहे हैं। यहाँ का माहौल ही बहुत अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत है। एक बार आप जरूर आइए। वैसे दोस्तों, आप लोग देख ही रहे होंगे, ये है गरुड़ देव, भगवान विष्णु की सवारी। जी हाँ, हमारी माताएं बहनें उनके इर्द गिर्द अपनी परिक्रमा को पूरी कर रही हैं, अपनी परिक्रमा लगा रही हैं। तो दोस्तों, अपने जीवन को धन्य बनाइए, और आप भी आइए एक बार गरुड़ देव की परिक्रमा लगाने, अपने जीवन को सफल बनाने और इस्कॉन मंदिर की शोभा बढ़ाने। तो आइए एक बार दर्शन कीजिए राधा रानी के, भगवान कृष्ण के, भगवान विष्णु के। अपने जीवन को सफल बनाने के लिए एक बार जरूर आए इस्कॉन मंदिर दिल्ली। तो दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो यार एक बार सब्सक्राइब जरूर करना, और लाइक, शेयर, एक प्यारा सा कमेंट जरूर देना, क्योंकि अगली बार जब हम आएंगे तो एक बहुत बेहतरीन वीडियो लाएंगे। तो आप तैयार हैं? थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।